हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ 11। 11 चैप्टर में आपको पिक्चर देख रही होगी, दिख रही है ना पिक्चर? अभी पिक्चर किसकी है? अभी पिक्चर है टेसू राजा की। अब हम हमारी जो कविता है, मैं कविता स्टार्ट करने जा रही हूँ। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस नार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने, कितने हैं कम्बल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब ये जो कविता है वो है टेसू राजा के ऊपर। अब टेसू राजा क्या कर रहे हैं? बाजार गए हैं और बाजार के बीचों बीच खड़े हैं, और बीचों बीच खड़े होकर क्या ले रहे हैं? अनार। कभी आप मार्केट गए हो? आपने देखा है अनार कैसा होता है? खाया भी होगा, मीठा होता है ना, और उसके अंदर इतने दाने होते हैं कि काउंट कर सकते हो आप, बहुत सारे होते हैं ना दाने। अब टेसू राजा जब बाजार गए हैं, बीचों बीच खड़े हैं बाजार में, और वो क्या खरीद रहे हैं? अनार खरीद रहे हैं। अब सोचें इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने। कम्बल देखा है आप? कंबल ओढ़ते हो, कभी देखा है आप कंबल जब ओढ़ते हो तो बाहर लाइट जला लिया करो तो आपको ऐसे लगे जैसे कंबल के अंदर छेद हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कैसे होता है कंबल में? ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, बिंदियाँ होती हैं, रोशनी जिससे आर पार होती है। कभी लेके देखा है कंबल लाइट रोशनी में लेके देखो तो उसमें ऐसे लगे जैसे कंबल के अंदर छेद है। जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कह रहे हैं कि सोच है कि भेड़ कैसे बताएगी कि कंबल में खाने कितने हैं, भेड़ क्यों बताएगी? एक झुंड में भेड़े कितनी, अब कह रहा है एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब भेड़े कितनी हैं? अब भेड़ जो है वो क्या करती है, उसके जो बाल होते हैं उससे क्या होता है, भेड़ से हमें क्या मिलती है? तो क्या होता है, जितनी भेड़े, जितनी झुंड में भेड़े कितनी, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर, पेड़ पर पत्ती जितनी, जितनी पेड़ पर, एक पेड़ पर पत्तियां हैं उतनी भेड़े हैं झुंड में, एक पेड़ पर कितने पत्ते। अब पत्ते गिनने बैठो, गिन सकते हो एक पेड़ के पत्ते? नहीं ना। अब केले का पेड़ है बड़ा तो आप आसानी से गिन लोगे, लेकिन आम के पेड़ के पत्ते गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। या अमरूद का पेड़ है, जो पेड़ होते हैं छोटी पत्ती वाले उनके नहीं गिन सकते हम पत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लते, एक पेड़ पर इतने पत्ते हैं कि जितने गोपी के घर लते हैं। गोपी के घर लते कितने, अब सोचा गोपी के घर कितने लते, कलकत्ता में कुत्ते जितनी, जितने कलकत्ता के अंदर कुत्ते हैं। अब कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर कितने सारे डॉग्स होंगे ना, है ना, कुछ डॉग हाउस में रहते हैं, कुछ रोड पे रहते हैं ना, स्ट्रीट डॉग होते हैं। अब कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000, उसने सोच के काउंटिंग भी कर ली, कितनी काउंटिंग कर ली, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब उसने कहा एक अनार है, इसमें दाने कितने हैं, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो दो चार। अब सड़क के बीचों बीच खड़े होकर वो अनार खरीद रहे हैं। अनार खरीदते खरीदते देखना उनके क्या दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमारी कविता के अंदर है। फिर कविता को एक बार रिपीट करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, एक अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000
देने वाला एक अनार, दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो दो चार। ओके, आगे समझ। अब क्या करेंगे, अपनी चैप्टर, अपनी बुक ओपन करेंगे, इसी कविता को आप रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेंड करूंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज मिलेगी। बाय बाय।